गाड़ी ना एकदम लिटरली ऐसे स्टॉप। फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल सना का जुनून। तो कैसे हैं आप लोग? एंड आज मैं आई हूँ साकेत वाले दी कैथलॉन में। सो रीजनेबल। इस वाले मिरर में हाइट छोटी लग रही थी फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिव मिरर था लग रहा है। सो फ्रेंड्स, मुझे ना अपने लिए कुछ क्रॉप जिम वेयर टाइप में चाहिए था, तो फिर मैं इसलिए यहाँ पर आई थी। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे मैं मतलब अपना टॉप ढूंढ रही थी। दिस इज द बॉय सेक्शन। सो फ्रेंड्स, साकेत के दी कैथलॉन में ना तो मैं पहले भी विजिट कर चुकी हूँ, लेकिन इस बार भी गई थी एंड अकेले गई थी फटाफट। लेकिन आप देख सकते हो कितना मस्त है। इसको तो आप जानते होगे, टेबल टेनिस में होता है ये। छोटी छोटी बॉल्स, और ये बॉल मैं यहाँ से लेके जा चुकी हूँ पहले। एंड आई थिंक ये सेम, हाँ सेम ब्लू सेम। एंड दिस इज़ आई थिंक किड सेक्शन एज वेल एज मैन सेक्शन। एंड ये देखो यार बॉटल। अभी तो फिलहाल मैं अपने लिए ढूँढ रही हूँ, फिर जैसा होता है आपको दिखाती हूँ। आई होप जिस चीज़ के लिए मैं इतनी दूर आई हूँ मुझे मिल जाए। जो मुझे चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं और आउट ऑफ स्टॉक भी हो चुका है, तो अब देखती हूँ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं ना H&M चली गई एंड मैंने कहा कि मैं यहाँ तक आई हूँ, इतनी दूर आई हूँ, तो फिर कुछ और ड्रेस वगैरह देख लेती हूँ। अगर ओवरसाइज यू नो टी शर्ट्स वगैरह होंगी तो कुछ ले लूँगी। वेल मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं अकेले गई थी लेने, तो ऐसे ऐसे करके। खैर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया ना पसंद आया। फिर आप देख सकते हो मौसम भी बड़ा वैसा हो गया था। मैंने ये क्लिप, ये पीछे जो आप देख रहे हो ना फूड स्टॉल, ये मेरा फेवरेट है, यहाँ से मैंने बहुत खाए हैं पर टैटू बाइट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे ना सीन हो गया था, मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं लाजपत नगर के पास आई हुई हूँ, और अभी आपको पता है मैं गई थी कॉलेज, थोड़े देर वहाँ पे रुकी, फिर उसके बाद वहाँ से मैं चली गई थी सेलेक्ट सिटी वॉक, ठीक है। एंड हुआ क्या कि ना वहाँ पे मेरी गाड़ी बार बार बंद होने लग गई बीच रास्ते में, और मैं घर से इतनी दूर, मैं मतलब पैनिक नहीं हुई, डरी नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन डर लग गया था डेफिनेटली यार। और फिर पता चला कि CNG खत्म हो गया, जब मैंने पापा को काफी देर सर्च करने के बाद कि ये साइन यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्या शो करना चाह रहा है, फिर मैंने फटाफट से सर्च किया, फिर मेरे को तब भी नहीं समझ आया। फिर मैंने पापा को फटाफट से वीडियो कॉलिंग किया, तो पापा ने बताया कि इसकी CNG खत्म हो गई है, पेट्रोल पे करो। और फिर उसके बाद मैंने इसको पेट्रोल पे किया, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह चलने लगी। फिर वहां पे पापा ने कहा कि पहले इसको CNG भरवा लो, तो वहां से CNG गैस स्टेशन जो है फ्रेंड्स वो दूर था, तो मैंने फिर थोड़ा आगे चल चल के मैंने वो पेट्रोल इसमें जो है वो फिल करवाया, आपने देखा। और अभी अभी लाजपत नगर से जो काम है वो कंप्लीट करने के बाद, अपना सामान उठाने के बाद, अब यहाँ से जाऊंगी मैं CNG भरवाने, फिल करवाने। सो यार फ्रेंड्स, मैं बहुत डर गई थी यार, मतलब ऐसे बीच, इतनी दूर घर से और बीच रास्ते में, यू नो बीचों बीच रोड के, अगर ऐसा हो जाए नॉट इवन वन टाइम, टू टाइम, थर्ड टाइम, मेरी गाड़ी ना एकदम लिटरली ऐसे स्टॉप, भाई साहब मैं इतना डर गई यार कसम से। अभी मैंने कुछ ऑर्डर कर रखा था, तो अभी लाजपत नगर में ना मैंने पार्किंग जो है वो कर दी है। और आपको पता है कि यार आज बहुत मतलब ऐसा हो गया, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि मतलब सेलेक्ट सिटी वॉक राइट, वो बहुत मतलब साकेत वाली साइड रोड पर है बिल्कुल, एंड वहाँ पर मतलब ऐसे गाड़ी का बंद हो जाना और बीच रोड पर, और मेरे देखो कहने को कुछ भी दूर नहीं और कहने को दूर भी है राइट, तो दूर तो डेफिनेटली है, बहुत दूर है, और ऐसे पॉइंट पे कुछ हो भी नहीं सकता था। तो बट पता नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला है दुआ पढ़ लेती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह से। सो मैंने दुआ वगैरह भी पढ़ रखा था, और या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रखी थी, और फिर पापा को वीडियो कॉलिंग किया, तो मैंने आपको बता रखा वीडियो कॉलिंग किया, तो किसी तरह मैनेज हो पाया, हालांकि मैं डर गई थी, लिटरली डर गई थी थोड़ा सा। सो यहाँ अभी गाड़ी जो है वो पार्क कर दी है, और पेट्रोल जो है वो फिल करवा लिया, इसके बाद फटाफट जल्दी से यहाँ से
फ्री होकर मैं CNG बिना जो है ना वो फिल करवा लूंगी। ओके तो मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ ना, मैं जिस काम से गई थी उन्होंने बोला था आप 20-30 मिनट्स के बाद आ जाओ, तो मैं ना वहाँ पे गई। मैंने कहा एक बार यहाँ पे भी मैं देख लेती हूँ अगर कुछ मिल जाता है। और फिर उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि मतलब मैंने मम्मी को वीडियो कॉलिंग की, क्या उनको कुछ समझ आ जाए, पसंद आ जाए तो ले लूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, वो आपको आगे पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी काम से आई थी, यहाँ पे भी काम नहीं हुआ और आप देखते हो क्या करना है। सो फ्रेंड्स, आप मुझे देख सकते हो बहुत थक गई, और पता है मैं सच्ची बोल रही हूँ, पापा के कम से कम 10-20 कॉल्स आ गए होंगे, लिटरली बखुदा पापा के कम से कम 10-20 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली कॉल्स आए। मैं मम्मी के साथ भी कॉल पे बात कर रही थी, बिकॉज मैं मार्केट गई थी तो वीडियो कॉलिंग वगैरह कर रही थी, तो उनको भी टेंशन हो गई ना कि ऐसा ना हो कि कहीं गाड़ी मतलब यू नो खड़ी करनी पड़ जाए, एंड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी थॉट्स, ऑब्वियसली होता है ऐसे। और अभी मुझे इतना आई एम नॉट दैट मच यूज टू दिस ऑल द थिंग्स, सो या, बट स्टिल धीरे धीरे सीख रही हूँ और हो जाएगा इंशाल्लाह। सो खैर अल्लाह का शुक्र है। तो अभी एक काम मेरा पेंडिंग रह गया है, बट दैट्स ओके, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। सो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से फटाफट और चलिए AC चलाती हूँ पहले। मम्मी ने ना घर पे वो बनाई है फ्राइड फिश, तो इसलिए मैंने ना बाहर से कुछ भी नहीं खाया, नॉट इवन अ सिंगल टॉफी, बस नहीं खाया। अब घर जाके इंशाल्लाह खाऊंगी। आज पता है मैंने कहीं पे भी, मैं बस समझ लो मैं गई और आई, ऐसा मेरा सिस्टम है। आज मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, और ये टाइम किस लिए नहीं है आपको आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह पता चल जाना है। हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और है ना मतलब कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सो या, तो अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आप देख सकते हो सूरज। मैं जस्ट घर आई हूँ, बहुत ज्यादा थक गई यार, बहुत ज्यादा थक गई, और आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कार में बताया था कि मम्मी आज फ्रेश बना रही है, और मैंने डर के मारे मम्मी बताऊँ क्या, मैं ऑप्टिकल प्लेस पे गई ना, तो वहां पे वो एज अ वो रखा होता है, तो मैंने दो टॉफी उठा ली, मैंने मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं खोलने वाली थी, मैंने कहा भले ये चॉकलेट है मैं खाऊंगी नहीं। मैंने खाई नहीं फ्रेंड्स, वापस फोल्ड करके रख दी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरी शक्ल, थकेली शक्ल, और हाँ मैंने आपको बताया ना कि मैं मतलब एक सरप्राइज है, मैं कहाँ जा रही हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह पता चल जाएगा।